नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. हाउ टू डिसाइड वेदर द गवर्नमेंट शुड गो फॉर अ डेफिसिट बजट. व्हाट डू यू मीन बाय अ डेफिसिट बजट? दैट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन द रिसीट्स, और शुड वी गो फॉर अ सरप्लस बजट? सरप्लस बजट व्हेन द रिसीट्स विल बी मोर देन द एक्सपेंडिचर. कह रहे कैसे डिसाइड करेगा? कह रहे इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा. हमारा पर्पस है टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे. कैसे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस. एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन, सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टनिटीज इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दीज फ्लक्चुएशंस थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर. कैसे? टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर. इनफ्लेशनरी टेंडेंसीज इमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द सप्लाई. गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. गवर्नमेंट भी खर्चा करेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज पे करेगी, तो दे डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी, हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीपी एमपी. एक्सपेंडिचर मेथड क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. तो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर अगर हम रिड्यूस कर दें तो डिमांड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी या कम होगी? अरे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खुद सोचो कि कंपोनेंट ही कम हो जाए. एक्सपेंडिचर मेथड एडअप होता है तो पता चलता है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कितनी हुई. जीडीपी बताता है. अगर एक कम, मतलब इंडिविजुअल, जैसे ए है बी है, वो सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ गए. अगर ए नहीं खाएगा तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? अजब गजब हो भाई गॉड. मतलब ए खाना नहीं खाएगा तो उसको खाना कम चाहिए या ज्यादा? पता नहीं, हिंदी समझ नहीं आती है क्या है. अगर कोई चीज कंज्यूम नहीं करेगा तो उसकी डिमांड गिरेगी. आप अगर खेलना बंद कर देंगे तो स्पोर्ट्स गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी आपके लिए? किसी भी चीज को बंद करेंगे तो उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी. तो गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा कम कर देगी तो गवर्नमेंट की डिमांड कम हो जाएगी फॉर गुड्स. तो सर वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. तो अगर वो डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो उनके पास दो टूल्स हैं, एक एक्सपेंडिचर और एक टैक्सेशन. एक्सपेंडिचर को कैसे यूज करेंगे? बाय रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर. टैक्सेशन को कैसे यूज करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस. अगर आपकी इनकम के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं तो आपके डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी या कम होगी? डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, आपकी स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. तो गवर्नमेंट बजट कैसे यूज होगा ये सीखना है. तो ध्यान से देखेंगे. इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर महंगाई है तो इन्फ्लेशन में क्या करेगी गवर्नमेंट? उनके पास दो टूल्स हैं. कौन से दो टूल्स हैं? टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो कैसे यूज करेगी इन दोनों टूल्स को? इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट और रिड्यूस द डिमांड. क्या करे उसके लिए? उसके लिए वो क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी. यही अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, रिसेशन है. डिफ्लेशन
रिसेशन, तो लो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम है, आउटपुट ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, बिक नहीं रहा सामान, तो अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, तो टैक्सेस को रिड्यूस किया जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। तो ऐसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाते हैं कि इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करे, डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करे। ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशंस। इन शॉर्ट पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो सरप्लस बजट कब होता है, जब गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, टैक्सेस ज्यादा, तो सरप्लस बजट, तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट क्या होता है, रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट ज्यादा कर रही है, खर्च कम कर रही है, और डिफ्लेशन के टाइम क्या होगा, गवर्नमेंट इंटेंशनली किस चीज के लिए जाएगी, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में क्या होगा, एक्सपेंसेस विल बी मोर देन द रिसीट्स, एक्सपेंसेस विल बी मोर देन द रिसीट्स ड्यूरिंग डिफ्लेशन। तो डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट।